जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है, मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी झांसी उत्तर प्रदेश आज ग्राम एवनी में श्री अलक त्रिपाठी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें झांसी जिला अध्यक्ष श्याम बाबू दीक्षित, महिला जिला अध्यक्ष सुश्री पूनम सिंह, जिला उपाध्यक्ष श्री राम कुमार शर्मा, जिला सचिव श्री कालीचरण राजपूत एवं महिला जिला महासचिव सुश्री रीता कुशवाहा मौजूद रहे। झांसी जिला अध्यक्ष श्री श्याम बाबू दीक्षित ने गरौठा विधानसभा क्षेत्र के आसपास के 25 गांवों से आए हुए सदस्य गण को पार्टी में पदाधिकारी गण घोषित किया, जिसमें विधानसभा स्तर ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी गणों को नियुक्त पत्र जिला अध्यक्ष श्याम बाबू दीक्षित के द्वारा प्रदान किए गए। इस मौके पर भारी संख्या में जनता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने पार्टी की विचारधारा से जनता को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी सभी जाति एवं धर्म को साथ में चलने से लेकर किसानों एवं गरीब मजदूरों की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए वचनबद्ध है। वह अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हल जोतता किसान के अनुरूप किसान का भरपूर विकास ही इस पार्टी का परम उद्देश्य है। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आज आपका क्या प्रॉब्लम रहा? आज हमारी अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी जिसकी मीटिंग हमने यौनी ग्राम में रखी थी, यौनी ग्राम में इसलिए रखी थी कि हमारा 30 गांव का आदमी इसमें जुड़ता है, निकटवर्ती पास था। मीटिंग बंबई मुझे अभी जाना है अपनी मीटिंग में, इसलिए एक दिन का समय गैप था, एक दिन पहले ही मीटिंग रखना पड़ी हमको। सभी हमारे करीब 65 पदाधिकारियों ने आज अपने अपने नियुक्त पत्र लिए हैं और सभी ने पार्टी के प्रति आस्था दिखाई है और सभी ने कहा है कि कंधे से कंधे मिला करके और हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्टी किसान और गरीब मजदूर का भला देखने वाली पार्टी है। ये पार्टी अपने हल जोतते किसान जो निशान है उसके लिए वचनबद्ध है और किसान की भलाई के लिए ही ये पार्टी तत्पर है। किसान को जितनी खेती में सुविधा देना है ये पार्टी देगी। पूनम सिंह, महिला जिला अध्यक्ष। आज का आपका क्या प्रोग्राम रहा? आज का प्रोग्राम ये था कि किसानों को एकत्रित किया और जो पद दिए गए थे नियुक्ति पत्र भी दृष्टिगत किए गए हैं, सारे आए थे और यौनी ग्राम यहाँ सारे किसानवासी भी आए थे, भाई बंधु 300-400 के समथिंग थे सारे, और उनकी समस्याओं को भी सुना है। और हमारी जो पार्टी है अखिल भारतीय पार्टी, तो वो खास तौर से विशेष उद्देश्य उसका यही है कि किसान को और मजदूर को मजबूत बनाना है और हमारी महिलाओं को भी आगे ले जाए। जो हमारे गांव में बच्चे हैं, स्कूलों की व्यवस्था की जाए अच्छे से। गांव में स्कूल तो है लेकिन टीचरों की व्यवस्था नहीं है, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, उन सब पे फोकस किया जाए। जो हमारे मजदूर हैं उनको मजदूरी का नाम दे दिया जाता है, ये सब समस्याओं का समाधान। अगर आपकी पार्टी जीत कर आती तो क्या करेंगे? अगर हम ये पार्टी जीत कर आते हैं तो सबसे पहले तो मजदूरों को उनका हक दिया जाए, जो बोलना है उनका सुना नहीं जाता, उन महिलाओं को सबसे आगे लाया जाए, महिलाओं की जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाए। और बच्चे हैं जो बच्चे हैं, कहा जाता है कि ये गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में डाल दिया, सबको बच्चों को सहयोग से सबको।